सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के कुछ अपडेट्स के बारे में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अपडेट है थॉर लव एंड थंडर के रन टाइम के बारे में। तो इसका ऑफिशियल रन टाइम 1 घंटे 59 मिनट का है। हाँ, अब इसके रन टाइम को लेकर कुछ फैंस खुश नहीं होंगे, बिकॉज फैन गॉर दी गॉड बुचर को इस मूवी में अच्छे से देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने मूवी नहीं देखा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि थॉर रैग्नारोक का भी रन टाइम 2 घंटे के आसपास का था, लेकिन वो मूवी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, तो रन टाइम को लेकर कोई चिंता मत करो कि 2 घंटे में क्या हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के कुछ फोटो रिलीज के बारे में। तो काफी ज्यादा फोटोज आए हैं, जिसमें सबसे पहला फोटो में हम माइटी थॉर को देख सकते हैं। अगले फोटो में हम थॉर को देख सकते हैं जो कि संत महात्मा टाइप बन गया है, और स्टार लॉर्ड भी उसके साथ हैं। अगले फोटो में थॉर है जो कि गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी के शिप में बैठा हुआ है। अगला फोटो भी थॉर है जिसमें थॉर काफी कूल लग रहा है। अगले दो फोटो में वेलकैरी को दिखाया गया है, और सबसे लास्ट फोटो में थॉर लव एंड थंडर के सेट का बिहाइंड द सीन दिखाया गया है, जिसमें टाइका वाइटिटी भी है। अब बात करते हैं कि थॉर लव एंड थंडर फाइनल ट्रेलर आया गया नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, और ये मार्वल की ऐसी मूवी थी जिसका ट्रेलर सबसे लेट आया था। और हाल ही में मार्वल ने एक थॉर लव एंड थंडर का स्पीच नाम से ट्रेलर को रिलीज किया है, जिसमें हमें काफी सारी नई डिटेल्स देखने को मिली। तो हाँ, शायद हो सकता है कि इसका फाइनल ट्रेलर ना आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मूवी रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले हमें इसका फाइनल ट्रेलर देखने को मिल जाए। तो ये थी थॉर लव एंड थंडर के बारे में कुछ अपडेट्स। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Till then, goodbye.